दोस्तों आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हर कोई ये जानना चाहता है कि साहब मेरी पत्नी की सैलरी पे क्या मेरा अधिकार होता है या नहीं होता है। मैं इसी में दोनों सवाल इंक्लूड कर देता हूँ, क्या पति की सैलरी पर पत्नी का अधिकार होता है या नहीं होता है, क्या पत्नी की सैलरी पर पति का अधिकार होता है या नहीं होता है। आए दिन को इस पूरे मामले को मैं आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिकल चीज से समझाता हूँ। 99% जब जो जॉब वाली लड़की होती है उसका रिश्ता क्यों बिगड़ता है, मुझे लगता है कि सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हैं आज के डेट पे मामलों में, और यही चीज़ आके दिक्कत क्रिएट कर देती है शादी के एक या दो साल के बाद ही, और वो रिश्ता ख़राब भी हो जाता है और टूट भी जाता है आखिरी में चल के। इस कहानी में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है वो पुलिस में जॉब करने वाली लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ा अफसोस उनको ये होता है कि मैं पुलिस में होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई। जी हाँ, ये बात भी 101% ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके टॉपिक में पहले मैं आपका जवाब दे देता हूँ, उसके बाद एक कहानी के थ्रू मैं इस स्टोरी को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पहली बात तो पति की सैलरी पर ना पत्नी की सैलरी पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी पत्नी की सैलरी पर आपका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है, आपके पति की सैलरी पे आपका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनर हो, हस्बैंड और वाइफ हो, अगर आप भरण पोषण नहीं कर सकते हो अपना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो आप मेंटेनेंस का अधिकार रखते हो, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी बात का जवाब सिंपल भाषा में मिल गया कि आपकी पत्नी की सैलरी पर आपका किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है, और आपके पति की सैलरी पर भी पत्नी का किसी प्रकार से अधिकार नहीं होता है। मेंटेनेंस के अधिकार दोनों रखते हैं, पति भी और पत्नी भी। अब सवाल ये याद कर लेते हैं आगे चल के कि आखिर विवाद क्यों होता है सरकारी कर्मचारियों के बीच में। हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, कहीं जगह वाइफ जॉब करती है, कहीं जगह हस्बैंड जॉब करता है, दिक्कत आ जाती है कहीं ना कहीं क्रिएट। देखिए दोस्तों, एक भारतीय संस्कृति में अपने इंडियन सोसाइटी में एक चीज़ होता है कि बेटी का हाथ का पानी नहीं पीते आज के ज़माने में। ये बात पहले चलती थी, आजकल ये बात अच्छी भी नहीं लगती है। और एक लड़की की शादी होती है जॉब करने वाले की, तो वो जॉब करके काफ़ी कुछ सोचती है अपने बारे में, जॉब करती है, खुद भी करती है, कमाना चाहती है, परिवार को कुछ रखना चाहती है, हस्बैंड को भी कुछ रखना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं को बीच में फंस के रह जाती है। ना तो वो हस्बैंड की सपोर्ट कर पाती है, ना ही फैमिली को कर पाती, मैक्सिमम वो ज़्यादा ही चॉइस करने का ऑप्शन आएगा तो वो अपने घर वालों को ही चॉइस करेगी, पति को कभी चॉइस नहीं करेगी। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ दोस्तों, और मैक्सिमम आज की डेट पे आपको पत्नी दी जाती है, ठीक है, आपकी पत्नी हो सकती है, नाम के लिए आपकी पत्नी रहेगी, लेकिन जॉब का पेमेंट भी आप उसके घर वालों के पास जाएगा। आपके वो बड़ा गुस्सा आएगा उस टाइम पे कि मेरे साथ रहेगी, मेरे घर का खर्चा भी नहीं चलाएगी, सब कुछ नहीं चलाएगी, और कमा कमा के अपने घर वालों को देती रहेगी। और जब आपकी पत्नी शादी के बाद अपने मायके को देती रहे पैसा, तो बड़ा गुस्सा आता है, तगड़ा वाला गुस्सा आता है, मारपीट भी होती है, हरासमेंट भी होती है, लड़की कोशिश करती है सहन करने की भी, लेकिन आखिरी में जाके बात बिगड़ जाती है। कई महिला ऐसी भी होती जो पैसा देना नहीं चाहती शादी करने के लिए, और शादी कर भी लेती है लेकिन उसके बाद वो अपने मायके की तरफ ही रहती है, दिक्कत यहीं क्रिएट हो जाती है। भाई देखिए, अगर आप जॉब वाली से शादी करोगे ना, तो आपको एडजस्ट मैनेज करना और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लड़की पढ़ के लिख के बड़ी होके माँ बाप के साथ 2-5 साल जॉब करने के बाद भी दे दी, माँ बाप को इतना लालच हो गया कि वह छोड़ नहीं सकते, उसकी ज़िंदगी करियर उसको नहीं दिख रहा कि हमारी बेटी का करियर ख़त्म हो जाएगा, और बेटी के जब तक बाल बच्चे नहीं होंगे तब तक वो आपको पेमेंट देगी ही नहीं। आप ये माइंड में एक बात फिट कर लेना अच्छे से, तभी मैंने बोला कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका सक्सेस हो ही नहीं सकता जब तक आपके बाल बच्चे नहीं होंगे, तब तक आपको पेमेंट में से 100 रुपये नहीं मिलने वाले। देगी जिस दिन आप अपनी पत्नी का विश्वास जीत लोगे ना, उस दिन से आपको पैसा भी देने लग जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे ना, उसके बाद वो सब कुछ करने लग जाएगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में पहले महीने, शादी होने के 1 महीने बाद ही आप पेमेंट में कवर कर लेती हो, प्यार, रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी, एक विश्वास, ट्रस्ट जो होता है वो चीज़ आप जीत ही नहीं पाती हो एक महिला का कभी भी। अगर आप ये सब कुछ जीत लेंगे तो एक महिला आपको सैलरी भी दे देगी, आपको सपोर्ट भी कर देगी। लेकिन आते आते आप लोग ये करते हो कि आप तो कैसे दे रही है, तेरे घर वालों को, उसके घर वालों को, माँ बाप को गाली गलौज करेंगे, भाई दिक्कत क्रिएट हो जाती है। अधिकार उनका भी है ना, उन्होंने अब वो इमोशनल अत्याचार घर वाले कैसे करते हैं पता ना, पैदा हमने क्या, पढ़ा है हमने सब कुछ, क्या हमारा अधिकार है? और आप ज़्यादा बोलोगे तो क्या कहोगे, हमने बेटी दिया तुमको, ठीक है, पेमेंट नहीं दी है,
कहीं जगह जवाब मिल जाएंगे ऐसे वाले। तो भैया जो वाले से शादी आप कर रहे हो तो आपके पास मैनर्स होना चाहिए, आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में आपको। अगर आपके पास ये पेशेंस ट्रस्ट ये चीज़ नहीं बना पाओगे तो आपको कभी आपकी पत्नी पेमेंट नहीं देगी और किसी भी प्रकार का आपका अधिकार नहीं होगा। तो आयोग जो मैं समझाना था इसमें समझा दिया, पूरी तरह से समझ में आ